वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम कसोल। ट्रैवल बनिया पहुंच गया है कसोल अपने हिमाचल ट्रिप पे। ये मेन कसोल का एरिया है जहाँ पे कई सारे आपको स्टेज, ये देखिए लिटिल इटली करके होटल है, और यहाँ पे इस तरीके के कई होटल मिल जाएंगे जो 1,000 से 2,000 रुपए की रेंज में आपको स्टे मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑफ बीट स्टे करना है तो यू कैन ट्राई पार्वती रिवर के साइड में या सम कैंपिंग काइंड ऑफ थिंग्स आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये मेन एरिया से देखिए, ये एक लेफ्ट साइड पे रोड गया हुआ है, यहाँ पे भी आपको स्टेज मिल जाएंगे, ये स्टेज के नाम है। और ये मेन कसोल एरिया में ही हम खड़े हुए हैं। और फूडिंग का फंडा ऐसा है कि मेन रोड पे कई सारे कैफ़ेज़ हैं, होटल के अंदर आप डाइन इन कर सकते हो, और यहाँ पे बाइक रेंटल्स अवेलेबल हैं। आपको तोश जाना है या आपको कहीं जाना है, बाइक रेंटल्स, टैक्सी रेंटल्स आपको होटल वाला ही करवा देगा, वो कोई इशू नहीं है। तो ये है हमारा मेन कसोल, और मॉर्निंग में देखते हैं कसोल में क्या क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल गाइज, बढ़िया नज़ारों के साथ, और ये पार्वती रिवर का नज़ारा, और ये कुछ लोकलाइट्स अपने दिनचर्या पे। और अब आ गए हैं मेन कसोल मार्केट एरिया, और आपकी फेवरेट ये रही है आपकी दारू की शॉप, सवेरे से शुरू करिए। और ये मेन एरिया से लेफ्ट साइड पे रास्ता गया हुआ है छलाल और रसोल ट्रैक के लिए, और यहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे तो पड़ेगा हमको छोज विलेज, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की ड्राइव है। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स। चलिए पहुँचते हैं छोज। ये हम आ गए हैं छोज विलेज के पार्किंग एरिया में, गाड़ी रोड पर ही लगा दी है हमने। ये कुछ खाने के स्टॉल्स दिख रहे हैं, कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, यम्मी और पौष्टिक दोनों ही चीजें हैं। ये इनके मसाले ये सारे बना रहे हैं। ये मास्क काफी हिमाचल में प्रचलित है इस समय पैंडेमिक के टाइम में। ये व्यू और ये ऑमलेट, मजा आने वाला है। ये दिल्ली वालों का चाय, और भाई क्या बना रहे हैं, मैगी और वो समोसा, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड टोस्ट, सारा कुछ लगाए हैं। ये मोमोज भी बेचते हैं ये कभी कभी। ये इनका स्टॉल, इसके साथ भी ये व्यू फ्री है खाने के साथ में। ये आ गए छोज विलेज के ट्रैकिंग पॉइंट पे। ये नीचे पुल देख रहे हैं आप छोज का, ये नदी बह रही है, वो सामने छोज विलेज है। ये है खूबसूरत छोज विलेज का कनेक्टिंग पॉइंट, छोज ब्रिज, वो उस साइड पे है कसोल, इस साइड पे है तोश। अगर आप छोज विलेज में स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो आपको अपने बैग्स लेके ये ब्रिज पार करके जाना होगा, ये जो ब्रिज है, और कार आपको ऊपर पार्किंग में रोड में लगाना होगा। ये हम आ गए हैं छोज विलेज। अगर आप यहाँ स्टे करते हो तो एक यूनिक एक्सपीरियंस जो इंडियन और इजरायली कल्चर का आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मजा आएगा। इसीलिए ये जगह शायद फॉरेनर्स के लिए और यंगस्टर्स में बहुत फेमस है। अभी पैंडेमिक की वजह से यहाँ फॉरेनर नहीं दिखेगा आपको, आप शायद देख भी सकते हो बहुत सन्नाटा यहाँ पे दिख रहा है। और रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस, स्टे, फूड, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये था हमारे छोज विलेज का डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं छलाल ट्रैक, वो भी कसोल का एक फेमस ट्रैक है, उसको भी देखते हैं कहाँ पे है क्या है। ये आ गए हैं छलाल रसोल ट्रैक, और ये रास्ता जा रहा है छलाल विलेज के लिए। विलेज के बीच से ही हम एकदम मेन चौराहे से अंदर आए हैं, वही रास्ता है, काफ़ी गंदगी फैली हुई यहाँ पे, और सिटी लिमिट्स के अंदर ही है शायद हम। और छलाल वगैरह जैसी जगह थोड़ा यंगस्टर्स और हिप प्लेस टाइप की है, पार्टी डेस्टिनेशन है। ये देखिए सब बैकपैकर्स अपने बैग्स लेते हुए आ रहे हैं, ये मेन यंगस्टर्स के लिए ही है एग्जैक्टली। ये म्यूल्स का ऑप्शन भी है आपके पास अगर आप ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते हो। बाकी वॉक का मज़ा तो आप देख ही रहे हो क्या आ रहा है, एकदम बढ़िया। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मज़ा उतनी ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि नदी से अभी हम दूर हैं। ये कुछ पेट पूजे का जुगाड़, मैगी और मोमोज, और ये सामने खूबसूरत कसोल ब्रिज। ये बोर्ड लगा हुआ है कुछ यहाँ की बेहतरीन पार्टीज़ का, जो वीकेंड में कॉमन है यहाँ पे। और नीचे पार्वती नदी का बेहतरीन नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा खूबसूरत आल ब्रिज से बढ़िया व्यू। ये कुछ लोकलाइट्स कपड़े और नहाते हुए। ये दूसरा साइड है जो छलाल के लिए जा रहा है, स्नो लाइन और छलाल। चलते हैं आगे, मेरी भी एक ब्रिज हो गया, अभी पुल खत्म हो गया है। ये पुल हम पार करके आए हैं, पुल पार करके नीचे जाने का रास्ता है ये। यहाँ पे आप नदी के पास जा सकते हो, कुछ धुआं निकल रहा है, शायद गर्म पानी है, मैं एक बार नीचे जाके चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। ये सल्फर वाटर स्प्रिंग आ गया है यहाँ पे, ये नॉर्मल नदी में मिल रहा है आके गर्म पानी।
गर्म ठंडा मिक्स करके नहा सकते हैं। ये एरिया इंस्टाग्रामर्स, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, पिक एडिक्ट्स या नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस। ये हम कसोल से छलाल ट्रैक पे आए थे तो वहीं पे स्टार्टिंग में ही ये ब्रिज मिला है। विद इन 100 मीटर्स ऑफ रेंज कोई भी आ सकता है। ऑल्सो फॉर सीनियर सिटीजन्स इट्स रिकमेंडेबल कि वो यहाँ पर आकर फोटो खिंचा सकते हैं, यहाँ का मजा ले सकते हैं। वो छलाल ट्रैक पूरी ना करे, नो इश्यूज इन दैट, पर ये आ सकते हैं। वो ब्रिज से वो राइट साइड पे स्टेयर्स लगा हुआ है, वो स्टेयर्स सीधे उतर के ये आते हैं यहाँ पे और यहाँ से आप आ सकते हो। पानी का कलर बहुत अच्छा, पानी बहुत साफ। ऑन छलाल ट्रैक, ये वही पुल जो मैंने आपको दिखाया था उससे थोड़ा आगे आ गए हम। रिवर साइड सारा रास्ता है, ये हमारी ट्रैकर सबसे आगे। ये हाँ, ये स्टेज है यहाँ पे रास्ते में, हम लोग रास्ते में हैं, यहाँ पे स्टेज है। ये हमारी ट्रैकर दौड़ रही है आगे। काफी प्लेन सरफेस पे ट्रैक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। थोड़ा फिट भी है तो भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज। पिंगो सिंगो फूड पॉइंट्स, फूड्स पॉइंट, रिवर साइड छलाल। ये कुछ लड़के एंजॉय करते हुए व्यूज को। भाई कितना दूर है यहाँ से? क्या? छलाल, छलाल, ये छलाल ही वॉक कर रहे हो आप? यहाँ से अगर एंड तक जाना है तो 15-20 मिनट। नहीं, एंड तक क्या है एग्जैक्टली? विलेज ही तो है, गांव है, कैफेज है, नथिंग एल्स है, जो आपको चाहिए सब है, पार्टी प्लेस जो चाहिए वो है, दैट्स इट। थैंक्स भाई। तो भैया जड़ की बात ये है कि कसोल एक बैकपैकर्स पैराडाइज है, फैमिली के साथ कम एंजॉय कर पाएंगे, ग्रुप के साथ और लौंडों पे बढ़िया मस्ती कर पाएंगे। आप कसोल आइए और कसोल के मजे लीजिए, हम करते हैं कसोल में मस्ती। बाय बाय, गुड बाय फ्रॉम ट्रैवल बनिया, टेक केयर।